सब्सक्राइब कीजिए संपर्क टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको कोई भी दलाल वाल के चक्कर में नहीं फंसना, आपको अपना मोबाइल से बिल्कुल इजी वे में आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपना लाइसेंस को बना सकते हैं। ये लाइसेंस दो चक्का, चार चक्का, छः चक्का कोई भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आवेदन आपको टोटल 5 स्टेप में करना होता है। ठीक है, तो 5 स्टेप में करना होता है और ये 5वें स्टेप मैं इस वीडियो में बताया हूँ, जिसके कारण ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। आप और भी बहुत वीडियो देखते होंगे जो 4 से 5 मिनट का है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 से 5 मिनट में आपको लर्निंग सिर्फ ऑनलाइन करने बताया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट पेमेंट करने, ठीक है, और आगे की कोई भी टेस्ट उस्ट का जो है डे टू क्लियर करने नहीं आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो मैं आपको ऑनलाइन करने से लेके लाइसेंस प्राप्त करने तक टोटल स्टेप आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस बात पर बनता है एक लाइक वीडियो, तो फ्रेंड्स लाइक कर ही दीजिए, और यदि पहली बार आए हुए चैनल पे तो लाइक उसको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा और भी चैनल का महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक इधर आपको आई वाले बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको भी एक बार जरूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, समय रहते हैं वीडियो करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है, उसमें आपको टैप करना है parivahan.gov.in। ठीक है, यदि आप कोई दूसरा ब्राउजर टैप ओपन करते हैं मोबाइल से तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा, जैसे आप यूसी मिनी वगैरह ओपन करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर से यदि आप कर रहे हैं तो कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये parivahan.gov.nic डालने के बाद यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो होम वाले पेज है, ये जो पहला वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है ये वाला लिंक पर। ठीक है, तो देखिए ये वाला लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है हम ये परिवहन का जो ऑफिशियल पेज है उस पे मैं पहुंच चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डेस्कटॉप सेट कर लेना है। यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो इससे ये फायदा होगा, जैसा कंप्यूटर होता है वैसा ही खुलेगा। ये जो टिक है, बॉक्स है, इसमें टिक कर लेना है। यहाँ जो देख रहे हैं आप डेस्कटॉप सेट, तो इस बॉक्स में मैंने टिक कर लिया हूँ, तो इससे ये फायदा होगा जैसा कंप्यूटर खुलता है वैसा ही मोबाइल में भी खुलेगा। उसके बाद आपको आ जाना है ऑनलाइन सर्विस में। यहाँ जो देख पा रहे हैं ऑनलाइन सर्विस है, इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ। तो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ बॉक्स खुला हुआ है। यदि आपको जो भी है, यदि लाइसेंस बनाना है तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे सेकंड पेज पे हम लोग पहुँच चुके हैं। आप यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, यहाँ दो ही लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। आपको सर्वप्रथम जो है, यानी फर्स्ट में आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेना है। ठीक है, तो मैं अपना स्टेट जो है यहाँ से बिहार चूज कर लेता हूँ, बिहार। ठीक है, आप जैसे बिहार चूज करेंगे तो थोड़ा सा ये सर्च लेगा, उसके बाद देखिए किस टाइप से खुलता है। आपको आ जाना थोड़ा सा यहाँ नीचे, यहाँ जो देख रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आप एक बार अप्लाई कर देंगे तो डॉक्यूमेंट यदि आप तुरंत डाउनलोड नहीं किए हैं तो बाद में भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इतना पेमेंट तक जो है आपको करना पड़ेगा, क्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप न्यू बनाना चाहते हैं तो न्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो प्रोसेस है फ्रेंड्स, आप यदि पहला बार ऑनलाइन करेंगे या लाइसेंस बनेंगे तो आपको DL मिलेगा। ठीक है, यानी लर्निंग लाइसेंस जिसको हम लोग कहते हैं, आपको पहले वो लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस के बाद जो है आपको ये DL मिलेगा। ठीक है, तो पहला बार में आपको ये न्यू लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाला। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ 5 स्टेप में आपको फॉर्म फिल करना है। पहला जो है अप्लीकेशन डिटेल देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर, उसके बाद LL के लिए स्लॉट बुकिंग करना है टेस्ट हेतु। ठीक है, उसके बाद फी पेमेंट करना। तो टोटल ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है
एप्लीकेंट डज नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप पहली बार कर रहे हैं तो इस पर ही आपको क्लिक करना होगा, तो वो उस पर हाईलाइट है ही, ठीक है। मैं यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए सबमिट पर क्लिक करते ही किस टाइप से ये फॉर्म आ गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है अपना स्टेट का नाम यहाँ डालना है, ठीक है। मैं एक बार पहले बताता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं ये फिल कर लूँगा तुरंत, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट यहाँ चूज करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आ रहा है, बहुत सारा स्टेट आ गया ना, बिहार में कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको RTO ऑफिस करना है चूज, यहाँ से क्लिक करके, देखिए मैं कर लेता हूँ, मैं अररिया कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पिन कोड डालने का ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा है, तो आप जैसे ये अररिया डालेंगे ना फ्रेंड्स, आपका जो स्टेट है आप अपना स्टेट और RTO ऑफिस जैसे डालेंगे तो नेक्स्ट का जो है ये अपने ले लेगा, ठीक है। इस पर पिन कोड डालने का नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके, नीचे आपको देना अपना यहाँ आधार नंबर, आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आप यहाँ टैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अपना पूरा डिटेल भरना है, ठीक है। आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, इसमें मिडिल नेम, इसमें लास्ट नेम। उसके बाद आप रिलेशनशिप एक तो चूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ, फादर है मदर है, आप जिसका नाम देना चाहते हो, तो मैं फादर दे देना चाहता हूँ अपना पेरेंट्स के नाम में, ठीक है। उसके बाद आपको फादर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम देना है। हो सकता है यदि आपका फादर्स नेम में मिडिल नेम नहीं हो, ठीक है, तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी दे सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे एक मिनट, आप जैसे यहाँ पे नाम चूज करेंगे, ठीक है, तो आपका ये फुल नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल जो भी है लागू उसको आप भर लेंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक कैलेंडर आएगा, कैलेंडर की मदद से आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। जैसे आप चूज करेंगे डेट ऑफ बर्थ तो इसमें आपका एज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद कंट्री ऑटोमेटिक यहाँ इंडिया आ चुका है, आपको क्वालिफिकेशन डाल देना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो 8 पास है, 12th है, ठीक है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड्स 8 पास भी लिखा हुआ है, ठीक है, 8 पास, 8 क्लास पास। लेकिन कुछ कुछ जो है स्टेट में जो है ये लाइसेंस बनाने के लिए कम से कम न्यूनतम योग्यता जो है मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बाद में चर्चा कर लूँगा, यदि आप 5 क्लास या 6 क्लास भी हैं तो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप अपना चूज कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो, यहाँ बहुत सा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर यदि है तो आप दें अथवा छोड़ दें, ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, ये मोबाइल नंबर जो है निसेसरी है क्योंकि इसी पे जो है आपका SMS वगैरह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी मार्क यहाँ पे डालना है, ये मोल ऑन फेस वगैरह जो भी हो, फेस पे मोल है, ठीक है, 2 डाल सकते हैं, यदि नहीं भी है तो आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है, ठीक है, आप यहाँ अपना स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ब्लॉक और यहाँ विलेज है या टाउन है, ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो आपका दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है हाउस फ्लोर का नंबर वगैरह ये आप छोड़ भी सकते हैं, पुलिस स्टेशन डाल सकते हैं यहाँ अथवा छोड़ भी सकते हैं, जिसमें ये रेड स्टार लगा हुआ है वो नेसेसरी है वरना, ठीक है। आप जैसे ऊपर फिल करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका फिल हो सकता है ऑटोमेटिक, ठीक है। आप कितना दिन से रह रहे हैं बर्न प्लेस पे, ठीक है, वो आपको डाल देना है, यदि बर्थ से ही रह रहे हैं, ठीक है, यदि आप उसमें बिहार डालेंगे तो ये डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, यदि ऊपर जो आप अंकित किए हुए हैं, ठीक है, वही एड्रेस यदि इसमें भी डालना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये टोटल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। ये फिल होने के बाद आप कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके वो देख लेना है। तो इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो देख लीजिए मोटरसाइकिल विथ गियर है, LMB है, नॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए मैं थोड़ा बताता हूँ, LMB जो है नॉन ट्रांसपोर्ट, ये 4 व्हीलर है, 4 चक्का है, ठीक है। तो आप जो बनाना चाहते हैं आप उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए रोड रोलर है, बहुत सा है, ठीक है, नीचे भी बहुत सा है, तो मैं इस पर मोटरसाइकिल विथ गियर पे कर लेता हूँ और ये 2 पे मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये नीचे वाला जो है यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, ओ सॉरी, उससे पहले आपको फ्रेंड्स इस पर एक बार क्लिक करना है, तो चलिए मैं उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जो है नीचे वाले पे क्लिक करना है, एक मिनट फ्रेंड्स, क्या हो गया, ये कुछ इधर आ गया था फ्रेंड्स नेट के कारण, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे चूज कर लिया हूँ, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देख लीजिए, ठीक है, ये दोनों मैं ले लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद आ जाना है सबसे नीचे,
यहाँ जो डिक्लेरेशन है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में सूचित करना है, कर के आई हैव विलिंग डन में। यदि आपको बाद में मतलब जो है भविष्य में कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो आप अपना बॉडी का जो है कुछ भाग पर जो है यदि आप डोनेट करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे, ठीक है, उस या ये यस जो है इस पर आपको टिक करना नेसेसरी है, ठीक है, तो इस पर टिक करके मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे पास ऐसा पेज आ चुका है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ गया है, डेट ऑफ एप्लीकेंट डेट आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गया है, यहाँ नेम आ गया है, ये टोटल जो है यहाँ पे शो कर गया है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में देख ले रहे हैं कि यहाँ पे जो है लिखा हुआ एज प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, ये सब लगता है, ठीक है। तो मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे स्क्रीनशॉट ले रहा था कि फॉर्म जो है अचानक कट हो गया, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा तुरंत बताता हूँ यहाँ पे, उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने गया था, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लेटेस्ट सर्विस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट जैसे ले रहा था कि वो अचानक बैक होकर कट हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं बिहार ले लेता हूँ, आप प्लीज़ जो है पेशेंस बना के फ्रेंड्स देखें, ठीक है। मैं टोटल स्टेप बाई स्टेप बता दूँगा टोटल। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अप्लाई ऑनलाइन कर दिया, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने जैसे वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रहा था तो पैक हो गया, इसके लिए भेजी सॉरी। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो मैं एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ, मैंने ये क्लिक कर दिया अपलोड डॉक्यूमेंट पे। तो देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट में जो है आप स्कैन इमेज करना चाहते हैं, ठीक है, तीन ऑप्शन है यहाँ पे। आप जो है अपलोड डॉक्यूमेंट में अपलोड करेंगे, उसके बाद फोटो सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद आप वो व्यू करके देख सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मैं ये अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, ये फर्स्ट वाले पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए मेरे पास तो एप्लीकेशन नंबर आ ही गया था। मैं अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल के ये सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर क्लिक करते हैं, देखिए मैंने एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास ऐसा पेज आ गया, आपको यहाँ नॉर्मली ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अपलोड पे क्लिक करते ही देख लीजिए किस टाइप से खुल गया, ठीक है। यहाँ पे है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट नंबर में है डॉक्यूमेंट, यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट नंबर डॉक्यूमेंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि आप एज प्रूफ देना चाहते हैं या एड्रेस प्रूफ देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं ये एड्रेस प्रूफ पर ही क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर प्रूफ सेलेक्ट करना है सेकेंड नंबर में कि आप कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, यहाँ सेलेक्ट करना है क्लिक करके। तो यहाँ देख लीजिए पासपोर्ट आ गया है, वोटर आईडी कार्ड आ गया है, आधार कार्ड आ गया है। तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आधार कार्ड और एड्रेस के लिए भी आधार कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड जो है उस पर डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस दोनों रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर देना है, यानी आधार नंबर देना है, और कहाँ से ये इश्यू हुआ है, इश्यू का डेट है। यदि आप नेट से भी डाउनलोड किए होंगे आधार कार्ड को तो आपको इश्यू डेट उस पर दिखाया गया होगा, ठीक है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपका जो है ये डॉक्यूमेंट JPG PDF JPEG में ही होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको जो है यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपलोड फाइल पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अपलोड फाइल पर क्लिक करते ही मेरे पास जो है ये कैमरा का फोटो आ गया है, ठीक है। कैमरा रिकॉर्डर है, वॉइस रिकॉर्डर है, तो वॉइस रिकॉर्डर में तो नहीं होता है डॉक्यूमेंट। आप कैमरा पे भी क्लिक करके जो है फोटो खींच सकते हैं आधार कार्ड का, ठीक है। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट कर सकते हैं यदि PDF पेज में हो तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बताने के लिए ही ये कर रहा था, ठीक है। आप चॉइस फाइल पर क्लिक करके जो देखे थे, जैसे मैं एक बार बताता हूँ, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, और डॉक्यूमेंट पर क्लिक जैसे करेंगे तो आपको ये गैलरी में लेकर चल जाएगा, ठीक है। आपका जो भी फाइल है आधार कार्ड जहाँ भी है, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है आप यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं एक बार फिर से बैक आ जाता हूँ वो होम पेज पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ ये होम पेज पे, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पेज तो खोलने के लिए आपको मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही टर्म में सब चीज़ कर देना है कि अभी तुरंत डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर फी भी तुरंत पेमेंट करना है, स्लॉट भी बुकिंग करना है, ऐसा ये जरूरी नहीं है। आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किया था तो अप्लाई करके मैं मेरा जो है ये विनपोज ऑफ हो गया था मिस्टेक से, तो मैं फिर बाद में भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट स्लॉट बुकिंग है, तो ये नॉर्मल ही है। जैसे मैंने आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपको लॉग इन करके दिखाया था अपना
एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से, ठीक है। उसी प्रकार जो आप स्लॉट बुकिंग करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वही आएगा, ठीक है। आप अपना स्लॉट बुकिंग कर लेंगे। स्लॉट बुकिंग का मतलब ये है कि आप कब टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं करके यहाँ स्लॉट बुकिंग पे दिखाता हूँ। तो कौन सा दिन टेस्ट देना है वो खुल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है ये कैप्चा जो है आप इसमें डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो है आपका खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये टोटल डाल लिया हूँ, अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबमिट पे क्लिक करते हैं किस टाइप से ये पेज आ रहा है, ठीक है। आपका जो है टोटल बायोडाटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसेस टू बुक। तो इस पर आप क्लिक जैसे करेंगे तो देख लीजिए किस स्टेप से आता है, नीचे मैंने कर दिया हूँ। तो यहाँ जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो ग्रीन है, यहाँ जो ग्रीन देख रहे हैं, तो उस दिन जो है यहाँ पे खाली है, टेस्ट आप उस दिन जाके दे सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए जो भी हरा है, ग्रीन है, ठीक है, आप उस पर क्लिक कर लेंगे जो डेट में आप टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक टो क्लिक करके, डेट पे क्लिक करके आपको स्लॉट बुकिंग पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है ये स्लॉट बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं फिर बैक होम पे, यहाँ पे जो होम लिखा हुआ है उस पे मैं आ जाता हूँ होम पेज पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पे स्लॉट बुकिंग भी कर लिया हूँ। उसके बाद आपको फी पेमेंट पे क्लिक करना है। तो फी पेमेंट तो फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल है, आप फी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मुख्य बात है फ्रेंड्स, मैं वो बता देना चाहता हूँ। आप जिस दिन ये बुकिंग जो है स्लॉट बुकिंग जिस दिन किए हैं, आपका जिस दिन टेस्ट है, उस दिन यदि आप टू व्हीलर यानी कि मोटरसाइकिल का यदि आप लाइसेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको मोटरसाइकिल अपना खुद लेके जाना होगा वहाँ टेस्ट देने हेतु, ठीक है। और यदि फोर व्हीलर का भी बनाना चाहते हैं तो वो फोर व्हीलर आपको खुद लेके जाना होगा, क्योंकि ये हर एक जगह अवेलेबल नहीं है। बड़ा बड़ा शहरों में वहाँ बाइक जो है अवेलेबल रहता है, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे शहर में अवेलेबल नहीं रहता, तो आपको लेके ही जाना होगा। उसके बाद जो है कि आपको जो है अपना ब्लड ग्रुप आप जो दिए थे वहाँ, ठीक है, आपको आपके पास ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट लेके जाएं, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, आधार कार्ड या एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी कागजात, वो टोटल कागजात आपको लेके जाना है। साथ ही आपको अपना जो है ई का यानी आँख का भी सर्टिफिकेट आप कोई भी सरकारी हॉस्पिटल से बनवा लेना है, ठीक है। तो जैसे आप बोलेंगे कि मैं लाइसेंस बनवा रहा हूँ, मुझे जो है सर्टिफिकेट बनवाना का, तो उसके लिए जो फॉर्म लगभग जहाँ पे DTO ऑफिस वगैरह है वहाँ मिलता है, ठीक है, या आप इसका वेबसाइट से भी कर सकते हैं डाउनलोड। यदि आपको पता नहीं है कि वो फॉर्म कैसा होगा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जो है PDF में भेज दूँगा वो फॉर्म आपका ईमेल आईडी पे, ठीक है। तो ये टोटल जो है कागजात आपको वो डॉक्टर से सिग्नेचर करवा के उस फॉर्म पे आँख वाले जो सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे और उस पर अपना फोटो चिपका के आपको जो है स्लॉट बुकिंग जिस दिन किए हैं उस डेट में आपको वहाँ पे उपस्थित होना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा ये वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।